आज हमारा मैच था दिल्ली सुपर किंग्स टीम से। भाई पहली बॉल पे ही अंपायर ने बजड़ मचा दी, पहली ही बॉल पे बजड़ मच गई। इतना बड़ा एज लग के कीपर के हाथ में गया, लेकिन अंपायर ने दे दिया नॉट आउट और पूरे मैच का पासा ही पलट गया। भाई इस बंदे ने अकेले ही 38 रन बना दिए थे। NCR किंग्स आज पता नहीं कितने जन्मों बाद टॉस जीता है, और टॉस जीत के NCR किंग्स ने पहले बैटिंग ली और फिर बैटिंग में भाई हो गया गंद। मतलब लिटरली भाई जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, यही चलता। बाकी मैच में बहुत ही मजा आया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये NCR किंग्स की बैटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली हो क्या रहा था यहाँ पर, अगर आप देखो ना, बॉल बहुत रुक के आ रहा है। टप्पा खाने के बाद बॉल बहुत रुक रहा था, सेमी को बहुत ही दिक्कत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से स्टार्टिंग में बैटिंग, क्योंकि पिच पूरा गीला था यार, पूरा ग्राउंड गीला था। हैरी भाई को पहले ही आते फुल स्पीड में बाउंसर पड़ गई और हैरी भाई संभाल नहीं पाए और कैच आउट हो गए। जी मैं आ गया हूँ बैटिंग करने, आते ही मैंने कट मारा था, चौको चला गया था। तो भाई ये भी चौका गया है, पर इस ग्राउंड की भी एक प्रॉब्लम थी लिटरली, मतलब बॉल ना चली जाती है, बॉल को फिर ढूंढने में बड़ा टाइम लगता था। ये सैम भाई ने अपना हाथ खोलना शुरू किया, ये सैम भाई ने पहला चौका मारा। उसके बाद तो सैम भाई रुके नहीं, उसके बाद तो जो बॉल मिली इनके लाइन पे सैम भाई ने लगा के एक और चौका दिया अगली ही गेंद पे। ये एकदम फुल टॉस आई थी पूरे ऑफ स्टंप पे, अच्छी पेस दे रहे थे यार, मजा आ रहा था खेलने में। ये बॉल रुक गई थी और शॉट सैम भाई का चल चुका था। मैंने बताया ना पिच बहुत ज्यादा गीली थी, एकदम ऐसे दिक्कत हो रही थी और बॉल रुक के आ रहा था। मानिक भाई आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। मानिक भाई बहुत बढ़िया खेल रहे थे यार, एकदम बॉल रुक गया और बिल्कुल टो पे लगा था मानिक भाई के। मैंने मानिक भाई को जाके बोला बिल्कुल टो पे लगा है। मानिक भाई तो अपने फुल फॉर्म में आए थे, पूरे जोश में 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से खेल रहे थे आज तो। कट लगाया, बहुत अच्छी बेस में आई थी ये, थोड़ी थोड़ी बीच जब सूखने शुरू हुई तो अच्छी आने लगी बॉल। मानिक भाई आउट हो गए, बॉल बहुत नीचे रह गया था। मानिक भाई ने क्रॉस शॉट खेला, बॉल बहुत नीचे रह गया था, मानिक भाई को रियलाइज भी नहीं हुआ था। मानिक भाई बाद में मेरी बात भी हुई थी, बॉल बहुत नीचे रह गया था, मानिक भाई को पता नहीं चला। मानिक भाई को लगा एकदम ठीक है लाइन पे, बट बॉल बहुत नीचे रह गया था। नो बॉल थी, लिटरली नो बॉल थी बेस से ऊपर, आप देख सकते हो। अंपायर ने दी नहीं, मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाके पूछा भी था। मैं आउट हो चुका हूँ 40 रन बना के। तरुण भाई आए हैं बैटिंग करने, आते ही भाई ने पहली बॉल पे चौका मारा क्लासिक एकदम। तरुण भाई तो वैसे तो ओपनर है, बट उस दिन भाई हमारे लेट आए थे, भाई हमारे आउट हो गए हैं। अरुण भाई 7 रन बनाए 9 बॉलों पे, आज थोड़े ढीले से लग रहे थे भाई, इससे पिछले दिन ये बैटिंग करके आया था ना बढ़िया, इसलिए थके हुए लग रहे थे। ये राणा भाई ने आते ही पहले अपना शॉट दिखाया क्लासिक 4। तरुण भाई ने एक और चौका लगा दिया क्लासिक। तरुण भाई के जोन में आ गए तो फिर बाहर है वो। तरुण भाई की कैच छूट गई एक, तरुण भाई को लगा था आउट हो गया, वो जा ही रहे थे वापस।
अरे राणा भाई का क्लासिक छक्का। राणा भाई जा गए भाई, भाई से रुका नहीं जाता भाई, पता नहीं क्या कलेश है भाई। ये राणा भाई ने शॉट मारा और सीधा कैच खड़ी हो गई है। बैड लक इतना है कि राणा भाई का कैच दो लोगों ने पकड़ी है भाई, मैं कैमरे में दिखा नहीं सकता। भाई आ गए हैं बैटिंग करने, पहली बॉल पे बाल बाल बचे भाई। तरुण भाई पता नहीं आज इनका अलग ही लक चल रहा था, इस बॉल पे भी कैच उठ गई थी और कैच ड्रॉप हो गई फिर से। ये आउट हो गए हैं इस बॉल पे। तरुण भाई 20 रन बना के गए हैं 12 बॉल पे, 118 पे 7 16 ओवर। सारी टीम बिखरती जा रही थी और मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई आज क्या होगा। ये आनंद भाई ने चौका मार दिया, जिस समय चौका मारा मुझे थोड़ी सी उम्मीदें जागी कि भाई अब कुछ रन आएंगे। ये हमारे अंकित भाई हैं बैटिंग करने, आते ही भाई ने चौका मार दिया। थोड़ा सा मेरे को अंदर से लगने लगा कि यार चलो ठीक है यार, कुछ फाइटिंग स्कोर बन जाएगा। आनंद भाई आउट होके 12 रन बना के अंकित भाई भी आउट हो गए 5 रन बना के 8 बॉल पे। एकदम बढ़िया शॉट मारा, सीधा चौका गया और थोड़ा सा मुझे लगा कि चल ठीक है यार 150 तो शायद बन सकता है। NCR किंग्स ने 144 रन का टारगेट दिया दिल्ली सुपर किंग्स को।
चल 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 चल